और दोस्तों कैसे आप, मेरा नाम है अरुण रोधी से ट्रैकिंग टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ओप्पो ने लॉन्च किया है उनका F7। जी हाँ, ये नॉच वाला दूसरा फोन है जो इंडिया में लॉन्च हुआ है। दो दिन पहले ही वीवो ने अपना V9 लॉन्च किया था और इन दोनों फोन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। दोस्तों हमारे पास रिव्यू यूनिट तो अभी तक नहीं आया है, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको मेरे ओपिनियंस बताने वाला हूं प्राइस के हिसाब से कैसा है ये फोन, और 7-8 चीजें या रीजंस आपको बताऊंगा कि भाई आपने ये ओप्पो F7 क्यों लेना चाहिए, और कुछ ऐसे भी रीजंस बताऊंगा कि आपने इसको पास करना चाहिए, पास मतलब छोड़ देना चाहिए। चलिए दोस्तों ये वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं ओप्पो F7 लेना चाहिए या नहीं। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें, और इस वीडियो के हमारे फीचर्ड कमेंटर है मोर सिंह। तो ओप्पो F7 कैसा है और क्या रीजंस है कि आपने ये बाय करना चाहिए। सबसे पहला रीजन दोस्तों है इसका स्क्रीन, मतलब इसका जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच फुल HD प्लस 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला ये स्क्रीन है, जिसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 89.09 है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बेजललेस, नियरली बेजललेस, बहुत ही पतले बेजल्स, बाजू को नीचे की तरफ भी छोटा सा बेजल है और ऊपर की तरफ है नॉच आईफोन X जैसे। अगर आपको नॉच का डिजाइन अच्छा लगता है तो ये फोन आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग फोन है, 19:9 एस्पेक्ट रेशियो है, 2280x1080 इसका रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का, ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है, तो ओवरऑल डिस्प्ले के हिसाब से बहुत ही अच्छा है और ये फोन आप देख सकते हैं क्योंकि अच्छा डिस्प्ले है। दोस्तों दूसरा रीजन है इसका लुक्स, बहुत अच्छा दिखता है दोस्तों ये फोन। ये तीन वेरियंट में आता है, ब्लैक, सिल्वर और रेड, और वो जो स्पेशली रेड दिखता है बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि पीछे का जो पार्ट है वो ग्लास बैक है, फ्रंट और बैक दोनों तरफ ग्लास है, तो दिस लुक्स लाइक अ प्रीमियम फोन, दिखने को बहुत अच्छा है और वो नॉच डिजाइन के साथ वगैरह दोस्तों परफेक्ट है, दिखने को भी बहुत अच्छा है, तो वो है हमारा सेकंड रीजन। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, इनफैक्ट जब ओप्पो ने कहा ओप्पो F7 लॉन्च हुआ तो सबसे बड़ा USP था उसका सेल्फी कैमरा। जी हाँ, इसका जो सेल्फी कैमरा है सबसे ज्यादा मेगापिक्सल वाला है इंडिया में अभी तक लॉन्च हुए फोन्स में से, और वो है 25 मेगापिक्सल का। वीवो V9 भी 24 मेगापिक्सल का था, ओप्पो F7 जो है वो 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, और सोनी IMF576 सेंसर है इसका, मतलब बहुत अच्छे फोटो खींचेगा। इसका जो अपर्चर है वो 2.0 है। रेयर का जो कैमरा है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल का F1.8, इसका मतलब लो लाइट में भी बहुत अच्छे खींचेगा। लेकिन इस कैमरे का सिर्फ मेगापिक्सल काउंट ही नहीं, ये है AI असिस्टेड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड है, बहुत सारे ब्यूटी मोड्स हैं। दोस्तों इसके जो फेशियल रिकॉग्निशन पॉइंट्स है वो 296 पॉइंट्स है, इसकी वजह से वो आपका चेहरा जानता है कि आपका एज क्या है, कलर टोन क्या है, जेंडर क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें वो जानता है, उस हिसाब से ब्यूटीफाई करता है। इसका मतलब आपके जो सेल्फी फोटोज हैं बहुत अच्छे आएंगे, इसका मतलब दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमराज, एंड दैट इज आर थर्ड रीजन। इसका जो रेयर है दोस्तों वो सिंगल कैमरा है, डुअल कैमराज नहीं है, F1.8 होने की वजह से अच्छे फोटोज खींचेगा, उधर भी आपको AI असिस्टेड फोटोज मिलेंगे जिसमें अलग अलग टाइप के सीन्स पता चलेंगे, जब आप क्लिक कर रहे हैं तो फोन को AI की वजह से पता चलेगा कि भाई कौन सा आप सीन्स क्लिक कर रहे हो, और उस हिसाब से वो अच्छा बनाएगा फोटोज को। चौथा रीजन है दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है, जी हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर नहीं है लेकिन हीलियो P60 प्रोसेसर है मीडियाटेक का, और अगर आप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के 660 के साथ कंपेयर करेंगे तो दोनों सिमिलर है, स्लाइटली कम होगा 660 के साथ, लेकिन बहुत अच्छा प्रोसेसर है। वेरी रिसेंटली ये जो प्रोसेसर है वो लॉन्च हुआ था MWC 2018 में, जस्ट एक महीने पहले अनाउंसमेंट हुई थी, तो लेटेस्ट प्रोसेसर है मीडियाटेक का P60, और बहुत सारे नए नए फीचर्स भी हैं इसमें, तो ओवरऑल इसका प्रोसेसर अच्छा है। प्लस ये जो फोन है दोस्तों वो दो वेरिएंट्स में आता है, 4GB 64GB और 128GB 6GB, मतलब 6GB रैम 128GB स्टोरेज, प्लस इसमें माइक्रो SD कार्ड एक्सपैंडेबल है, जो आपका जो स्टोरेज है वो आप एक्सपैंड कर सकते हैं 256GB तक, और ये जो फोन है ये USB OTG को भी सपोर्ट करता है, तो ओवरऑल स्टोरेज रैम के हिसाब से भी अच्छे हैं, दो वेरिएंट्स अलग अलग हैं प्लस एक्सपैंडेबल भी है। दोस्तों इस फोन में आता है फिंगरप्रिंट सेंसर बैक की तरफ, प्लस जो अभी सभी फोन्स में बहुत बड़ा रेंज है, सभी लोग पूछते रहते हैं, फेस अनलॉक भी सपोर्ट करता है, तो ये भी एक बड़ा रीजन है क्यों आपने इसे खरीदना चाहिए।
छठा रीजन है इसकी बैटरी। जी हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है लेकिन काफी है। 3400 mAh मिली एम्पियर आर की बैटरी है जो आपको दिन भर में इवन मॉडरेट टू हाई यूसेज में बराबर से जाएगी। बहुत सारे फोटो खींचिए, वीडियो देखिए, गेम्स भी खेलिए क्योंकि प्रोसेसर भी P60 का है, वो ऑप्टिमाइज्ड और अच्छा प्रोसेसर, एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो आराम से आप दिन भर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हैवी यूसेज में भी। तो ये था छठा रीजन। और दोस्तों सातवां रीजन है एंड्रॉइड 8.1 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स। जी हाँ, इसमें कलर ओएस आता है जो बेस्ड है एंड्रॉइड ओरियो पे। इसका मतलब इसका एक अपडेट यानी एंड्रॉइड पी भी आपको जरूर मिलेगा, नेक्स्ट अपडेट या उसका भी अगला अपडेट जो एंड्रॉइड का है वो मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि एंड्रॉइड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। और दोस्तों फाइनल रीजन टू बाय, इसकी प्राइस अच्छी प्राइस, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि एकदम कम है, लेकिन इसकी जो प्राइस 4GB 64GB वर्जन की है वो है 21,990, जो 6GB 128GB वर्जन की है वो है 26,990। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी पूरी तरह से नहीं, लेकिन जैसे उसके स्पेसिफिकेशंस है उसके हिसाब से अच्छी प्राइसिंग है मेरे हिसाब से, और 1,500 रुपए वीवो V9 से कम है, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। और ये जो फोन है वो अप्रैल 9th को लाइव जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन स्टोर्स में मिलेगा आपको। कुछ अच्छी स्कीम्स भी है, अप्रैल 2nd को सिर्फ 10,000 का फ्लैश सेल है ऑनलाइन जो ओप्पो ने रखा हुआ है, तो उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको खरीदना है। उधर आपको 5% कैशबैक मिलेगा ICICI बैंक की तरफ से, साथ में जियो का अगर सिम कार्ड लेंगे तो 120GB आपको डेटा फ्री मिलेगा और 1200 रुपए कैशबैक इन फॉर्म ऑफ रिचार्जेस भी आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल आपको 20,000 तक ये फोन मिल जाएगा, 4GB 64GB वाला जो एक सेल्फी सेंट्री कैमरा है। तो उस हिसाब से ये थे हमारे 8, 9, 10 रीजंस क्यों आपने ओप्पो F7 के पास देखना चाहिए। लेकिन 2-3 ऐसे भी रीजंस हैं जो आपको पुट ऑफ कर दे, आपको अच्छे नहीं लगे। जी हाँ, इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है क्योंकि इसमें USB Type-C नहीं है। जी हाँ, ये एक बड़ी चीज है जो आपने देखना चाहिए। अगर आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए कोई फोन तो शायद ये जल्दी चार्ज नहीं करेगा, शायद नहीं करेगा नहीं, USB Type-C है नहीं उसमें, नॉर्मल जो है आता है माइक्रो USB वही पोर्ट आता है चार्ज करने के लिए। दूसरी बात दोस्तों, आजकल डुअल कैमरास हर फोन में आने लग गए हैं 10,000 के नीचे भी, लेकिन इसमें नहीं है। मैं ऐसे नहीं कहता हूं कि डुअल कैमरास है इसका मतलब फोटोज अच्छे ही आएंगे, वो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन आजकल सेकंड कैमरा डेप्थ जो नापता है और आपका जो बोके है वो इफेक्ट देता है वो होना चाहिए था। आप 20-22 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो अगर दो कैमरा रेयर पे होते तो सही में ये बहुत अच्छा हो जाता। और दोस्तों तीसरी बात, ओप्पो है सर्विसेज उनका इतना अच्छा नहीं है। अगर आपके आजू बाजू उनका सर्विस सेंटर होगा, आपकी सिटी में होगा, तो आप ज़रूर देखिए, लेकिन अभी तक पूरी तरह से उनका नेटवर्क सेटअप नहीं हुआ है। नॉर्थ में, ईस्ट में, ईस्ट नहीं वेस्ट में बहुत सारे जगह पे अच्छे सर्विस सेंटर्स हैं इनके, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे जगह पे बहुत सारे ओप्पो के हैं, लेकिन ऐसे भी स्टेट्स हैं जिधर उनके सर्विस सेंटर्स ज़्यादा नहीं है। तो ज़रा सर्विस के पास आप देखिए, थोड़ा डाउटफुल है, तो वो एक रीज़न कहूँगा कि आपने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए ओप्पो F7 लेने से पहले। तो दोस्तों ये थे मेरे ओपिनियंस ओप्पो F7 के बारे में। अगर और भी कोई सवाल है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियंस थे, जैसे मुझे लगता है इसके बारे में वही मैंने आप लोगों को बोल दिया। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है या अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।